एवरीवन, स्वागत है राइट टू एजुकेट चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी गवर्नमेंट द्वारा लाए गए एक नए एक्ट के बारे में जो इस महीने काफी चर्चा में है। दैट इज प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जन एक्ट 2020। अगर हम इसको आम भाषा में बोले तो लव जिहाद पर बना कानून। बेसिकली इसमें होता है शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन कराया जाता है, तो झूठे या गैर कानूनी तरीके से धर्म को परिवर्तन कराने पर रोक लगाने के लिए इस कानून को लाया गया। आइए चलिए देखते हैं है क्या इस कानून में। इस एक्ट में कहा गया यदि कोई व्यक्ति जोर जबरदस्ती, छल कपट या प्रलोभन जैसी चीजों से किसी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन कराता है तो इस एक्ट के तहत उस पर मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। और यदि ये मास लेवल पर होता है या सामूहिक लेवल पर किया जाता है तो उस विक्टिम को 10 साल तक की सजा और 10 से 50,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। और अगर ये किसी सामान्य वर्ग की लड़की के साथ होता है तो उस पर 15,000 रुपए का जुर्माना और 5 साल तक की जेल हो सकती है। और यदि धर्म परिवर्तन किसी नाबालिग लड़की, शेड्यूल कास्ट या ट्राइब के साथ कराया जाता है तो उस इंसान को 3 से 10 साल तक की सजा हो सकती है और 25,000 रुपए तक का जुर्माना उस पर लग सकता है। यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से शादी करने से पहले धर्म परिवर्तन कराना चाहता है तो उसे 2 महीने पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बताना पड़ेगा, और यदि वो ऐसा नहीं करता तो उसे 6 महीने से 3 साल तक की सजा हो सकती है। और उस व्यक्ति को एक आवेदन देना पड़ेगा कि जिसमें बेसिकली उसकी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन को ले लिया जाता है कि उसका नाम, पता, माँ बाप का नाम, उसका ऑक्यूपेशन, उसकी उम्र, उसकी इनकम, ये सब उस आवेदन में भरा जाता है कि वो धर्म परिवर्तन क्यों करना चाह रहे हैं। और फिर इसके बाद पुलिस धर्म परिवर्तन के मकसद की जांच करती है कि इनका मेन मोटिव क्या है धर्म परिवर्तन कराने के लिए, या फिर कोई फोर्स तो नहीं कर रहा। फिर इसके बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस के बाहर एक पोस्टर लगा दिया जाता है उस बंदे की सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन से लेकर जो उसने फॉर्म में भरी कि ये बंदा है, ये अपना धर्म परिवर्तन करना चाहता है, और यदि किसी को आपत्ति हो तो 21 दिन के अंदर अंदर हमें आकर बताएं। यदि किसी बंदे को आपत्ति नहीं होती तो उसका धर्म परिवर्तन कर दिया जाता है और शादी कर दी जाती है, और यदि किसी को आपत्ति होती है तो उनकी शादी को रोक दिया जाता है, और बस फिर ये केस आगे बढ़ता चला जाता है। हम इस एक्ट को कंक्लूड करें तो ये कहता है बेसिकली दो अलग धर्म के लोग शादी तो कर सकते हैं मगर ये प्रोसेस बहुत ज्यादा पेचीदा हो जाएगा। इससे हमारे दो फंडामेंटल राइट्स की धज्जियां उड़ा दी जाती है। दैट इज आर्टिकल 25 जिसमें हमें राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन, हम किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार या किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। नेक्स्ट इज आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसमें हर एक बंदे को उसकी पर्सनल लिबर्टी और प्राइवेसी का अधिकार है, और ये लोग उस बंदे की सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन को पब्लिक कर देते हैं और बोलते हैं जिससे आपत्ति हो वो आकर बताए। अरे भाई वो होते कौन है हमारी लाइफ में इंटरफेयर करने वाले। जब हमें 18 साल की उम्र में प्रधानमंत्री चुनने का अधिकार दे दिया जाता है तो क्या हम अपना लाइफ पार्टनर नहीं चुन सकते। राइट टू प्राइवेसी कहता है किसी बंदे को हक नहीं है वो आपकी लाइफ में इंटरफेयर करे, चाहे वो सरकार हो या आपका पड़ोसी। बट हमारे पास ऑलरेडी एक एक्ट है, दैट इज स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, जिसमें दो अलग धर्म के लोग बिना अपने धर्म को परिवर्तन करे शादी कर सकते हैं। बट इसमें भी हमारे राइट टू प्राइवेसी का हनन किया जाता है। जब हमारे पास ऑलरेडी एक एक्ट है तो हमें उसमें मॉडिफिकेशन और इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है, ना कि एक नए एक्ट को लाने की। तो अलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी के एक्ट को लेकर जजमेंट दिया कि हर एक बंदे को अधिकार है वो किसी भी धर्म को चुने या उसको उसकी लाइफ में पूरी पर्सनल लिबर्टी दी जाती है। एंड ने मेंट दिया कि अगर दो बंदे सेम सेक्स के एक साथ रह सकते हैं तो कोई भी बंदा अपने रिलेशनशिप को कैसे भी आगे बढ़ाए किसी को भी उस पर ऑब्जेक्शन करने का अधिकार नहीं बनता। और अगर हम बात करें कि एक्ट पास कैसे किया गया तो आज वी ऑल नो कि अभी कोविड की वजह से विधानसभा तो चल नहीं रही, तो इन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 213 के तहत गवर्नर को राइट होता है कि वो कोई भी इमरजेंसी या अर्जेंट काम के लिए ऑर्डिनेंस ला सकता है और फिर इसको आगे की प्रोसेस के थ्रू एक्ट में पास कर दिया जाता है। तो इसी तरह यूपी का ये एक्ट भी पास किया गया। एंड इन द लास्ट आई जस्ट वॉन्ट टू से कि जब एक ही धर्म के लोग शादी करते हैं तो उनकी शादी एक ही दिन में हो जाती है,
लेकिन अलग अलग धर्म के लोग शादी करते हैं तो उसमें 30 या 60 दिन का समय क्यों लगता है? तो आप लोगों का क्या विचार है इस नए एक्ट को लेकर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इसी तरह डेली अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।